चैनल सुयश वी लॉग्स। तो करंट अफेयर्स का आज का चैप्टर है और पहला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही किस लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को जारी करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो उसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी सी डी दिया है, PSLV, और उसका आंसर है बी GSLV। और अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन आज का है, मैं चेंज करता हूँ स्लाइड अब जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी में दी है, आप इसे नोट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सैटेलाइट व्हीकल है, ये कोलैबोरेशन में करा हुआ है, इसरो का है। और दूसरा सवाल इसी के साथ में बढ़ता है, वह देश जिसने हाल में ही विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर, मतलब कि पानी एवं जमीन पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया, तो वो है चीन, चाइना ने। चाइना टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत आगे है, आप लोग जानते हैं जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो चाइना में बहुत पहले हो चुके हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे चाइना ही है, और पानी ज़मीन पर चलने वाली ड्रोन है। थर्ड क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार के दौरान गलत बयानी के कारण चुनाव आयोग ने किस महिला केंद्रीय मंत्री को के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई थी, तो उसका नाम है मेनका गांधी। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वैज्ञानिक की एक टीम ने किस महासागर में लगभग 11,000 मीटर की गहराई में एक ऐसे अनोखे बैक्टीरिया की खोज की है जो तैलीय पदार्थ को अपना भोजन बनाता है, तो उसका जवाब है प्रशांत महासागर। ऑप्शंस आप देख सकते हैं सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये आ सकता है, किसी भी कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं अगर आप तो। और हाल में ही किस सरकारी विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर 3 महीने के भीतर जैव विविधता संबंध समितियां गठित करने वाले पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, इसका जवाब है राष्ट्रीय हरित। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार संबंधित जानकारियां सामने आने वाली पुलिजियर पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है, तो उसका जवाब है न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत मशहूर पेपर है ये अमेरिका का और काफ़ी जाना माना पेपर है ये, और ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये बहुत प्रशासित माना जाता है और ये बहुत ऑनर वाला होता है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हाल में कैनरा बैंक के MD एवं CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब है ABCD में आप देख सकते हैं, और AR शंकर नारायण जी हैं, साउथ के हैं, जो काफ़ी ब्रेनी होते हैं, आप लोग जानते हैं ये चीज़, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। सॉरी, इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे आठवें सवाल पे। अबू धाबी इंटरनेशनल पुस्तक मेले में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, तो उसका जवाब है भारत, जी हाँ, अपने लिए बहुत गर्व की बात है, अबू धाबी जो दुबई में है और इंटरनेशनल बुक फेयर है, इसे इंग्लिश में ये बोला जा सकता है, और बहुत काफ़ी गर्व की बात है। तो अब नौवा क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की एक टीम ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधक से निपटने के लिए एंटी ग्रामोस्कोप नामक एक उपकरण का विकसित किया गया है, इसका जवाब है अन्ना विश्वविद्यालय, विच इज़ अन्ना यूनिवर्सिटी, जो साउथ में है और काफ़ी प्रशासित और जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट या ऑटोनॉमस है, मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब है इंडो पैसिफिक, ये क्वेश्चन GCC SGL में आ सकता है और किसी में भी, आप इस पर ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक नया मंत्रालय है ये। और फिर 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से हाल में ही स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और जिसके ऑप्शन दिए हैं
जुजाना कैपुतोवा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में किसने जॉन इस्नर को हराया, खिताब जीता है? तो इसका जवाब रॉजर फेडरर है, जो सबसे बेस्ट प्लेयर है टेनिस के और काफ़ी जाने माने प्लेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, और ये अभी में ही हुआ था मेरे हिसाब से जी। हाल में ही किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ ओलंपिक एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी करी है, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका नाम है ऑक्सफैम, और ये एम्प्लॉयमेंट की सब न्यूज़ इसमें रहती है कि पर कैपिटा के इतना एम्प्लॉयमेंट मिला है और क्या रहा है देश का विकसित दर। और इसके साथ हम 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस देश ने हाल में ही सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है? तो उसका जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है किम जोंग के नेतृत्व में, और हॉकी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स हैं इस टीम में। दिल्ली सरकार ने किस टीचर को हाल में ही मार्थोफेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है मनु गुलाटी, और ये काफ़ी अच्छा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। किस देश के कृषि विभाग ने घोषणा की है कि बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग अब नहीं किए जाएंगे, जिनके कारण 37 वर्षों में हजारों बिल्लियां मारी जा चुकी हैं? तो अमेरिका है, उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना स्ट्रांग है। और फिर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संबंध के मुताबिक युद्ध, जलवायु आपदाओं और जैसे कारणों के खाद्य संकट में चलते पिछले वर्ष दुनिया में कितने देशों के करीब 11.13 करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा? तो इसका जवाब है करीबन 53 करोड़ लोग, और ये बहुत बड़ा स्टैट्स है, बहुत बड़ा, काफ़ी सोचने वाली बात है। इतने लोग भुखमरी में जी रहे हैं और अभी भी हम हमारा खाना अन्न को ऐसे ही दुरुपयोग करते हैं और वेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। गृह मंत्रालय ने साल 2018 में दिल्ली के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? और वो है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रेट बढ़ गया है, तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे प्रशासन, और कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन जहाँ पे मेट्रो भी है, काफ़ी फेमस जगह है ये दिल्ली में। आप कभी जाएँ तो आपको मौका मिले ज़रूर जाइएगा। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बेतुल्लिफा ने 20 वर्षों में शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उसका जवाब है अल्जीरिया, जो बहुत सेंसिटिव चल रही है कंट्री। फिर चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर किस भाषा में लिखी गई किताब नटई उल्लकम राफेल को लॉन्च पर रोक लगा दी? वह है तमिल। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।